नमस्कार, क्या आपने ऐसा कोई विवाह देखा है जहां दूल्हा दुल्हन साधारण वेशभूषा में हो, जहां बिना हल्दी मंडप और फेरों के विवाह संपन्न हुआ हो, जहां दहेज का नामो निशान न हो? आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही दहेज रहित विवाह कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। वर्तमान में अधिकांश समाज शिक्षित और समझदार है, परंतु आज भी समाज में अमानवीय और रूढ़िवादी कुरीतियां सदियों से प्रचलित हैं, जिनमें से एक का नाम है दहेज प्रथा। ये कुप्रथा आज की नहीं है, बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है। इस कुप्रथा ने समाज पर गहरे आघात किए हैं, कई बहन बेटियों की बलि ली है, परंतु अब संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस कुप्रथा का अंत हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह की अनूठी पहल की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 30 जोड़ों के दहेज मुक्त विवाह संपन्न करवाए गए, जिनमें न मंडप, न पंडित, न फेरे तथा न ही अन्य कोई आडंबर देखने को मिले। स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर समाज में ऐसे ही दहेज मुक्त विवाह होने लगे तो निश्चित रूप से कई पिता कर्जदार होने से बचेंगे तथा बेटियों का जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा। नमस्कार, तो ये जो दहेज मुक्त शादी का कार्यक्रम था तो वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का हुजूम है, श्रद्धालुओं का जो भीड़ है, आप देखिए बहुत ही डिसिप्लिन पूर्वक यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। एक तरफ जो पुरुष श्रद्धालु हैं और एक तरफ महिला श्रद्धालु हैं, और प्रोजेक्टर के माध्यम से गुरु जी उनके जो हैं संत रामपाल जी महाराज के वाणियों का उच्चारण किया जा रहा है, और इस वाणियों की सहायता से ही ये जो रमणीय विवाह का कार्यक्रम है वो करवाया जा रहा है। हम आपको पूरा का पूरा कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह से बिल्कुल डिसिप्लिन पूर्वक एक साइड में पुरुष श्रद्धालु बैठे हुए हैं और एक तरफ महिला श्रद्धालु बैठ रहे हैं, और यहाँ पे आगे चार जोड़े जो है उनकी आज शादी हो रही है, बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हो रही है। और ये जो शादी आप देख रहे हैं बिल्कुल एक यूनिक तरीका है जो आप देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य के चतरा जिले के हंटरगंज क्षेत्र में यहाँ पे आज चार जोड़े रमेनी का जो कार्यक्रम है, चार जोड़े दहेज मुक्त शादी का कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पे आसपास के लोग आए हुए हैं जो चतरा जिले के, चतरा डिस्ट्रिक्ट के हैं। हम आगे की ओर दिखाने के चाहेंगे आप लोगों को कि आगे देखिए कि किस प्रकार यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो ये दहेज मुक्त शादी का कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वर है और ये वधू है, ये अपने जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, इसके आगे दंड ये प्रणाम कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से वाणियों का उच्चारण किया जा रहा है। कबीर साहब की वाणियों का उच्चारण किया जा रहा है, संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों का उच्चारण किया जा रहा है, और इसी के माध्यम से ये रमेनी और ये शादी कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो आप देखिए एक दो तीन चार जोड़े हैं और चार जोड़े की शादी हो रही है। सचमुच ही इस समय में जहाँ पे ये जो शादियाँ होती हैं उसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। जैसे आपने आजकल के ही माध्यम से देखा होगा कि बहुत सारे जो शादियाँ संपन्न हुई है और उसमें करोड़ों, ठीक है, लाखों करोड़ों के खर्च ऐसे ही बहा दिए जाते हैं। पटाखे में खर्च किए जाते हैं, दिखावे में खर्च किए जाते हैं, खाने पीने में कितनी तो जीव हत्याएँ कर दी जाती हैं, और यहाँ पर केवल बिल्कुल इस साधारण तरीके से केवल और केवल अपने गुरु जी के जो वाणियाँ हैं उसके माध्यम से ऐसे शादी को संपन्न करना सच में समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये खासकर झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ पे लोग आज भी कुरीतियों को मानते हैं, जहाँ पे आज भी बहुत सारा पाखंडवाद है, लोग ऐसे ही जो नशा के प्रति खर्च कर देते हैं, दहेज के प्रति लाखों हजारों रुपये खर्च करते हैं, आप दहेज से जो बहु बेटियाँ हैं उनको पीड़ित होते हुए देखा होगा, ऐसे समय में ऐसी शादियाँ सच में बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही संदेश देने लायक है जो आप देख रहे हैं झारखंड राज्य के ये चतरा डिस्ट्रिक्ट से ये जो दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो चार जोड़े हैं वो बिल्कुल हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, और उनके जो गुरुजी हैं उनकी वाणी का उच्चारण किया जा रहा है, और 17 मिनट तक ये वाणियाँ चलेंगी और मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न हो जाएंगी। उनके अनुयायियों का कहना है कि केवल 17 मिनट के अंदर जो ये वाणी का उच्चारण होता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, और 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर और ये शादियाँ संपन्न हो जाती हैं।
बिल्कुल उनका कहना है कि ये जो शादी होती है बिल्कुल वैदिक तरीके से होती है, जो प्रारंभ में उनका कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जो शादियाँ होती थी इसी प्रकार की केवल 10-15 मिनट में ही शादी हो जाती है। ये दिखावा और ये दहेज ये तो एक कुरीति के रूप में आगे आई है और इसी तरह से पूरे देश में दहेज मुक्त विवाह, दहेज मुक्त भारत का निर्माण होगा। उनका कहना है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरे विश्व में आयोजन किया जा रहा है और उनका कहना है कि कुछ ही दिन पहले जो 10 बड़े बड़े सतलोक आश्रम्स हैं उनमें इस तरह के सैकड़ों दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं और ये झारखंड में भी इस तरह के कार्यक्रम आजकल खासे चर्चा का विषय बना हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका दहेज मुक्त शादी विवाह हो रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो 4 जोड़ी शादियां हैं वो बिल्कुल ही 17 मिनट में बिना किसी आडंबर के ये संपन्न हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर और वधु आपके सामने खड़े हैं अपने हाथों में जीने की राह पुस्तक लिए हुए हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में, किस लिए इसलिए 17 मिनट में शादी किए, ये सारी चीज़ों से हम आपको जानकारी करवाएंगे। कुछ इन लोगों से भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने जो ये है इनके जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। सत्सर जी, क्या नाम है जी? दीप नारायण दास। अच्छा, तो अभी जो केवल 17 मिनट में आपकी विवाह हो गई ये बिल्कुल ही दहेज मुक्त हुई है क्या? नहीं नहीं, दहेज इसमें हमने नहीं लिया है, दहेज मुक्त है, हमने दहेज नहीं लिया है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? टीवी पर आते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उसका सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसको यहाँ से मैंने ज्ञान प्राप्त अपना की। उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके उसके बाद ये भक्ति हम कर रहे हैं। और ये तो संत रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी किसी तरह का दहेज नहीं लेते क्या? नहीं नहीं, दहेज नहीं लेते हैं। ठीक है जी, क्या नाम है जी आपका? खुशबूदास जी। क्या सचमुच में 1 रुपया लिया है और दिया नहीं गया क्या इस शादी में? 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। देखा जाता है आज जैसे आजकल शादी का भी ये जो माहौल है, शादी के भी दिन चल रहे हैं, तो लोग अपने शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनका सपना होता है कि हमारी शादी में इस तरह का सजाया जाए, लाखों के खर्च किए जाए, तो क्या आपका वैसा मन नहीं था क्या? नहीं, हमको ऐसा मन नहीं है, संत रामपाल जी महाराज से साधारण शादी होता है, सिंपल। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी उपस्थित हैं, उनके भी विचार जानने की कोशिश करेंगे कुछ श्रद्धालुओं की कि इस तरह के शादी से समाज में क्या संदेश वो लोग देना चाहते हैं। तो नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? आनंद कुमार जी। तो ये जो अभी 17 मिनट में शादी हुई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? ये बहुत ही अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा जी, इसमें किसी भी तरह का कोई दहेज का कोई लेन देन नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह कोई आडंबर किया गया है और सब कुछ गुरुवाणी के द्वारा ही शादी को करवाया गया जी। तो इस तरह के शादियों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? आज समाज में फैली जो कुरीति है, जो आज दहेज के कारण जो बेटियां आज पेट में पल रहे हैं उसको मार दिया जाता है, कारण सिर्फ और सिर्फ दहेज ही है, तो क्यों संत रामपाल जी महाराज इस दहेज रूपी दानव को समाप्त कर रहे समाज से। सर, आपके जैसे बहुत सारे युवा होंगे जिन्होंने अभी तक शादियां नहीं की होंगी, तो बहुत सारी युवतियां भी होंगे, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैसेज तो क्या, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बुक है जीने की राह, इस पुस्तक को सभी युवा वर्ग के लोगों को पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ के ही प्रेरणा मिलेगी कि हमें शादियाँ किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है जी? मेरा सूरज दास नाम है, मैं गाँव पालता फरीदाबाद से हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या कर रहे हैं आप? मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और आगे भी प्रिपरेशन करता हूं मैं जॉब की। सर, आपने जैसे दहेज मुक्त आज शादी की, तो आपको कहां से प्रेरणा मिली इस दहेज मुक्त शादी करने की, आप इतने शिक्षित समाज होते हुए भी? जी, हम इतने शिक्षित समाज है आज हमारा मतलब, और हम समाज से भी ये कहना चाहते हैं कि जो दहेज एक बहुत बुरी कुरीति है जिससे भी गरीब जो फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो परंपराएं चल रही हैं उनको देखते हुए दहेज देना एक ज़रूरी हो गया है, जिससे जो गरीब फैमिली से हैं वो बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ता है उनको। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शादियाँ हैं जिसको रमैली कहते हैं, इसमें किसी भी तरह का दहेज ना लेना ना देना होता है, बिना किसी दहेज के ये और बिना किसी बैंड बाजे या बिना किसी दिखावे के ये शादी की जाती है। सर, तो आपने कोई भी दहेज नहीं लिया? नहीं, हमने कोई दहेज नहीं लिया। सर, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से भी
यही कहना चाहता हूँ और जगत समाज से भी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सानिध्य में जो भी हैं, जो उनके अनुयायी हैं, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है किसी भी तरह का यहाँ नशा नहीं करते, कोई चोरी ठगी या किसी भी तरह की बुराइयाँ नहीं हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सर, संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है ये दहेज मुक्त शादियाँ करवाना? संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त और चोरी ठगी और रिश्वतखोरी ये सब इससे मतलब यहाँ के अनुयायी नहीं करते इस चीज़ को। नमस्कार मैम। सत्यदेव जी, मेरा नाम पूजा दासी है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया है और संत रामपाल जी महाराज इस दहेज मुक्त विवाह से पूरे भारत की बेटियों को सर्व सुख संपन्न बनाना चाहते हैं ताकि बेटियां बोझ ना बने, क्योंकि हमारे समाज में इतना दहेज लेने देने के बाद भी बेटियां सुखी नहीं हैं। किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के कारण और किसी को मार दिया जाता है। साल में न जाने कितनी बेटियां जलाई जाती और मारी जाती है केवल दहेज के कारण। इतना दहेज, माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं दहेज ये उनके आगे ना बेटियाँ एक समस्या बन गई है समाज में, क्योंकि दहेज इतना बड़ा वो बन गया है इशू समाज में कि मतलब माँ बाप को समझ में नहीं आता कि वो उनकी शादियाँ कैसे करें। तो संत रामपाल जी महाराज इस तरह का जो ये चला रहे हैं पूरे भारत को सुख और संपन्न बनाना चाहते हैं। बेटियाँ बोझ नहीं हैं, क्योंकि ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे तो बेटियाँ बोझ क्यों हैं माँ बाप पे। तो मैम, आपने भी आज दहेज मुक्त शादी की है, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं दहेज को लेकर? जी नहीं, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है दहेज के कारण। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी हमारी मीडिया जनता आपको देख रही है तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जगत समाज से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने, उनके ज्ञान को समझे, वो क्या बता रहे हैं उस चीज़ को समझें आप, और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से आप भी जुड़िए हैं, आप भी जुड़िए और ये हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार के नशा, जिस तरह की बुराइयाँ समाज में व्याप्त हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और सर्व सुख प्राप्त होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो हमें भक्ति बताते हैं वो पूर्ण शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं, जिसे करने से सर्व सुख प्राप्त होते हैं। धन्यवाद सत्साहेब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या शुभ नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम बिट्टू है, मैं फरीदाबाद से हूँ। सर, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या करते हैं आप? मैं CTI करता हूँ और CTI के साथ साथ जॉब भी करता हूँ, मैनेजर की पोस्ट है मेरी NGO में। सर, आप इतना शिक्षित होते हुए भी आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया, इसके पीछे का क्या कारण है? इसका पीछे का कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और मुझे ज्ञान हुआ उस चीज़ का कि दहेज लेना गलत है और देना भी गलत है, पाप है, और दहेज के कारण बेटियों बाप से समान समझते हैं कि बोझ है बेटियाँ, बोझ नहीं होती हैं। और जो हम समाज में जो चल रहा है इस टाइम 40-40 लाख रुपए दहेज देते हैं उनमें, और बेटियां फिर भी सुख नहीं रहता उन बेटियों को सुख इसलिए नहीं रहता क्योंकि दहेज इतना मांग लेते हैं बेटियों के लिए, बेटियों को खुश नहीं रह पाया, फिर गाड़ियों की डिमांड करते हैं उन बेटियों के पास, उन पर जोर दबाव करते हैं। और उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतना अच्छा रास्ता मिला है भगवान की शरण में आके, हमें हम दहेज नहीं लेते, नहीं देते किसी को। तो आपने कोई भी दहेज नहीं लिया लड़की वाले के परिवार से? नहीं, मैंने कोई दहेज नहीं लिया लड़की वालों से और नहीं मेरा कोई उद्देश्य है दहेज लेने का। नमस्कार मैम। सबसे क्या शुभ नाम है आपका? प्रिया दास। क्या आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है दहेज लेने को लेकर? नहीं जी, मेरे पर कोई दबाव नहीं। ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आपका? सुनील कुमार। सर, आप जो आज दहेज मुक्त रमेणी विवाह हुआ है यहाँ फरीदाबाद में, तो आप इन लड़के के क्या लगते हो? भाई लग। तो सर, आपने आपके भाई के विवाह जो हुआ है यहाँ, तो आपने कोई भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, कोई दहेज की मांग नहीं। कैसा लगा आपको यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो विवाह हुआ? अच्छा लगा, मुझे बढ़िया लगा। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप भगत समाज आपको जो देख रहा है? ठीक है, आगे भी ऐसे होना चाहिए, सही है, तो और बढ़िया होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या शुभ नाम है जी आपका? श्री रामपाल दास। सर, आपकी जो यहाँ दो लड़कियों की जो शादी हुई है, दहेज जो विवाह हुआ है, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो दो बेटियों की जो रमणी हुई है वो बगैर दहेज के लेन देन के हुई है, जो समाज में एक विशाल कायम करने वाला विषय है। तो सर, आप जो लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं तो उनके क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो दहेज लेते हैं, जो दहेज देते हैं, वो दहेज के लोभी आदमी हैं,
जो दहेज के बगैर किसी बेटी को लेना नहीं चाहते, उनके लिए दहेज सब कुछ है और बेटियों को कोई मान्य नहीं रखते, उनके लिए दहेज है और दहेज के लिए ही बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। सर, जो आपने न्यूज़पेपरों में अखबारों में देखा होगा, हेडलाइन होती है कि दहेज के ऊपर लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दहेज एक अभिशाप है, दहेज के लिए बेटियों को दुखी किया जाता है, समाज को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए, शादियाँ बगैर दहेज के ही होनी चाहिए, हमने बेटी का संस्कार जोड़ना है, उसमें दहेज को हमें बीच में नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि शादियाँ बगैर दहेज के ही होनी चाहिए, जिससे समाज सुखी हो सके। ठीक है सर, धन्यवाद। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज जैसी कुप्रथा से मानव समाज को छुटकारा मिल रहा है तथा एक स्वच्छ मानव समाज का निर्माण हो रहा है, साथ ही कलयुग में सतयुग जैसी सत्ता स्थापित हो रही है, बेटियों को उनका खोया सम्मान और जीने की राह मिल रही है, माता पिता अब बेटी को बोझ नहीं मानते। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, धन्यवाद।